बर्थ जिसे एजे क्रोनिन, जिसका पूरा नाम आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रोनिन है, ने लिखा है। यह द सिटेडल से लिया गया है। यह कहानी एक युवा ऊर्जावान और समर्पित डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के बारे में है, जो एक महत्वपूर्ण डिलीवरी केस को निपुणता से संभालते हैं। शुरुआत में हम उसे अपने क्लिनिक में लौटते हुए पाते हैं, जहां मोर्गन उसे अपने घर लिवा जाने और अपनी पत्नी की देखभाल करवाने का इंतजार कर रहा है, जो कि शादी के 20 साल बाद उसकी पत्नी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, जो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलने के बाद लौटा है। क्रिस्टीन एंड्रयू पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही है, किंतु एंड्रयू अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसके अलावा शादी के बारे में उसके विचार में संदेह है। उसके दोस्तों जैसे ब्रैमवेल, एडवर्ड पेज और डेनी का विवाह असफल रहा था। उसे डर लगता है कि उनकी भी शादी असफल न हो जाए, इसलिए वह असमंजस की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, जो मोर्गन को अपने घर पर उसकी सास मिसेज मोर्गन और एक दाई मिल जाती है। फिर प्रसव का महत्वपूर्ण समय आता है और हर किसी को सदमा देने के लिए एक बेजान बच्चा पैदा होता है। श्रीमती मोर्गन की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर पहले श्रीमती मोर्गन को बचाता है, फिर बच्चे पर ध्यान देता है। वह बच्चे के एस्फिक्सिया का इलाज करता है। एस्फिक्सिया घुटन या बेहोशी की स्थिति के कारण जो खून में ऑक्सीजन की कमी और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, त्वचा की दुर्बलता, कमजोर नाड़ी से संबंधित बीमारी होती है। युवा डॉक्टर चुनौती को स्वीकार करता है। अतीत के एक मामले को याद करते हुए वह पुनरुद्धार की प्रक्रिया को शुरू करता है। वह बच्चे को वैकल्पिक रूप से बर्फीले और गर्म पानी में डुबोता है, फिर वह बच्चे को सूखे कपड़े से रगड़ता है और उसके फेफड़े को काम करने के लिए उसकी छाती को धीरे धीरे दबाता है। अंत में बच्चा श्वास लेने लगता है। डॉक्टर ईश्वर को धन्यवाद करता है। वह आंख बंद करके सोचता है कि उसने जो बली नैली में जो काम किया है वह सर्वोत्तम था। कहता है, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट।